नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आज से 24 साल पहले तत्कालीन अटल सरकार ने राजस्थान के पोखरण में लगातार परमाणु धमाके कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ऑपरेशन शक्ति के तहत किए इन परीक्षणों के जरिए भारत ने अटल इरादों का परिचय देकर सशक्त भारत को और बुलंदी दी थी। 11 मई व 13 मई 1998 को राजद नीत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हेतुलाई गांव 5 परमाणु परीक्षण किए थे। अटल सरकार ने पोखरण 2 परीक्षण की समूची व्यूह रचना इतनी गुप्त रखी थी कि अमेरिका व उसके उपग्रह तक गच्चा खा गए थे। किसी को कानोकान खबर नहीं लगी थी कि भारत इतना बड़ा कदम उठा रहा है। हालांकि विरोध स्वरूप अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर सख्त पाबंदियां लगाई थी। सिर्फ इजराइल ने भारत का साथ दिया था। सफल परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आज भारत ने पोखरण में भूमिगत परीक्षण किया। अटल जी तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ खुद परीक्षण स्थल पर गए थे। इस परीक्षण से भारत का सीना चौड़ा हो गया था और वो घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। तब अटल जी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इसके बाद से 11 मई का हर दिन हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत विश्व में परमाणु क्रांति का अगुआ रहा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने काफी पहले इसका अलग जगाया था, लेकिन उनके सपनों को षड्यंत्रों ने चूर कर दिया था। इसके बाद शक्ति स्वरूपा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करवाकर विश्व में परमाणु क्षमता संपन्न देशों की सूची में भारत का नाम दर्ज करा दिया था। पोखरण 1 का नाम बुद्ध स्माइलिंग यानी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं रखा गया था। इसके बाद 1995 में भारत ने और परीक्षण की कोशिश की, लेकिन विश्व समुदाय के कड़े तेवर से ये नहीं हो सके। 1998 के परमाणु परीक्षण में तत्कालीन रक्षा वैज्ञानिक मिसाइल मैन और 2002 में राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अहम भूमिका निभाई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।